वेलकम बैक ऑन अवर चैनल पॉट विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, और जिसके अंदर आपका टॉपिक रहेगा बटन। ठीक है, तो इससे पहले ये आपका ट्यूटोरियल वन था, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जो मिनी टॉपिक्स हैं वो कवर किए थे, लाइक कंटेनर क्या होता है आपका, ठीक है, और टेक्स्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है क्लासेस की कैसे यूज कर सकते हो आप, लाइक आपका कलर्स है, बैकग्राउंड कलर है, टेबल है, डिस्प्ले है, या टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, सारा मैंने आपका फर्स्ट ट्यूटोरियल में करवाया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका बटन। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फोल्डर में जाके आपको यहाँ पे अपनी फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं एक नई फाइल यहाँ क्रिएट करती हूँ बटन डॉट एच टी एम एल। क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है, देन एंटर। तो यहाँ में टेब्रिवेशन की हेल्प से ही जो बेसिक कोड है ये आपके सामने आ जाएगा। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे जो टाइटल है ना वो चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ लिख लेती हूँ बूट स्ट्रैप ट्यूटोरियल, और टॉपिक क्या है आपका बटन। ठीक है, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख लेती हूँ। अब बात आती है बॉडी में, जो भी हम इसमें कंटेंट लिखेंगे वो सारा हम बॉडी में लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें सबसे पहले बटन चाहिए। बटन चाहिए तो बटन जो टैग है वो आपको लेना होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको इंसर्ट करनी है, क्या क्या, एक तो बटन का टाइप कैसा चाहिए आपको, बटन का टाइप भी आपको कैसा चाहिए, बटन चाहिए। और उससे आगे नेक्स्ट आपको इसमें क्लासेस ऐड करनी होती है। बूटस्ट्रैप में सारा जो खेल है वो सारा क्लासेस का होता है। क्लासेस आप लिखो, सीएसएस इंप्लीमेंट करनी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, सिंपल क्लास लिखो, आपका काम बन जाएगा। तो क्लास में क्या लिखोगे, आपको क्या चाहिए, बटन। तो btn इसमें हम लिखते हैं, ये बटन का शॉर्ट है btn। और आपको किस टाइप का चाहिए, नॉर्मली चाहिए अभी तो आपको जो कंटेंट लिखना है वो आप यहाँ लिखोगे। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पे बटन, तो अभी जो हमने लिखा है ना उसको मैं गो लाइव कर देती हूँ। और अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पे जो हम बूटस्ट्रैप का बटन लाना चाहते हैं बेसिक, क्या वो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो उसका रीजन क्या है, जल्दी से सोच के बताओ। तो देखो अभी अभी जो ऐसा बटन है कुछ ऐसा सामने आया, बट हमें तो बूटस्ट्रैप का अच्छा सा बेसिक बटन चाहिए था ना। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे मेन काम होता है आपको बूटस्ट्रैप का, आपको यहाँ पे लिंक लगाना होगा, है ना। तो लिंक आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके बूटस्ट्रैप cdn आप लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लेना बताया है। तो अभी के लिए मैं करती क्या हूँ, यहाँ से डायरेक्ट जो लिंक है ना बूटस्ट्रैप का, ये मैं कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ जाके मैं क्या करती हूँ, टाइटल के बाद मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ, और मैं कर देती हूँ ऑल्ट प्लस जेड, ताकि उससे क्या होगा, ये आपका वर्ड रैप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसका आउटपुट। तो अभी जो इसका आउटपुट है कुछ इस तरीके का है ना। जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाती हूँ तो ये जो आपका कर्सर में चेंज हो जाता है, कर्सर पॉइंटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस पर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है इसको मैं साइड बाई साइड अरेंज करके आपको दिखाती हूँ, बस कुछ ही सेकेंड मुझे दीजिए आप। अभी आपका साइड बाई साइड अरेंज हो गया है। अब आपको बटन किस टाइप के चाहिए, कैसा आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए, वो सब चीज़ें आप सिर्फ क्लास में लिखने से ही आपका काम बन जाएगा। जैसे अगर मैं क्लास में लिखूँ यहाँ पे btn डैश प्राइमरी, तो क्या हो जाएगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और btn डैश प्राइमरी। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी लिखते हो तो क्या होगा, इसका कलर देखना किस तरीके से चेंज हो जाएगा, कलर जो है इसका यहाँ पे ग्रे हो जाएगा। ऐसे आप btn सक्सेस यहाँ लिखोगे तो कलर जो है आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस की हेल्प से आप इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक आपका सक्सेस है, ये सारी चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे आपको जो बूटस्ट्रैप का पेज है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसे ही जैसे आप इसको यूज़ करोगे अपने आप से लर्न हो जाएगा। वार्निंग लिखोगे तो रेड कलर में हो जाएगा आपका, सॉरी वार्निंग के अंदर येलो में हो जाएगा, और डेंजर लिखोगे तो आपका रेड कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ये सारी प्रॉपर्टीज सेम, आप ही कलर में भी यही प्रॉपर्टी रहती हैं आपकी, और बैकग्राउंड कलर में भी यही रहती हैं, क्लासेस आपकी सेम ही रहने वाले, बस यूज करने का उसमें तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका बटन, और आपको सिर्फ बटन में लिंक लगाना है। तो btn डैश आप लिंक लिख दो तो बटन में क्या करेगा, इस तरीके से सिंपल जो लिंक है वो ऐसे लगा देगा। और आपको पता है कि इसको हम css की हेल्प से इसके अंडरलाइन को कैसे रिमूव करते हैं, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तो आप सिंपल बटन टैग लेके इसको आप बटन ले सकते हो। मैं यहाँ पे बटन लिंक को रिमूव करके यहाँ पे मैं डेंजर लिख देती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे br टैग यहाँ पे मुझे लगाना होगा, ओके, ताकि एक लाइन का जो है इसमें ब्रेक आ जाए। अब इससे आगे जैसे आप बटन टैग में भी बटन ले सकते हो, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, लिंक में भी बटन ले सकते हो। लिंक में कैसे ले लोगे, ए
ए से क्या होगा, एंकर टैग। एंकर टैग में HREF यानी उसका रेफरेंस। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हैश यहाँ पे यूज करती हूँ। और देन आपको किस नेम पे चाहिए, जैसे मैं एक बार के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे क्या, लिंक बटन। तो देखो लिंक बटन कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका लिंक बटन यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगी ए टैग के अंदर क्लास में यहाँ पे लिखूंगी, और क्लास लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी btn, ठीक है। तो देखो किस तरीके से वो बटन बन गया आपका। फिर मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास लगाऊंगी btn-success। तो यानी लिंक को भी आप बटन में क्रिएट कर सकते हैं, थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, लिंक को भी बटन में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, अभी ये आपको सही से नहीं लग रहा, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सेटअप करती हूँ। या हेड टैग के अंदर यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लगाती हूँ, और स्टाइल टैग के अंदर इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग के अंदर स्टार, स्टार के बाद यानी कि इसमें हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं। स्टार के बाद मैं इसको देना चाहूँगी क्या, यहाँ से मार्जिन पैडिंग में थोड़ा सा देना चाहूँगी ताकि इसमें स्पेस आ जाए। मार्जिन भी मैं 10 पिक्सल देना चाहूँगी, और पैडिंग भी मैं यहाँ से, एक सेकेंड स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डी यहाँ लिखो, PADDING, पैडिंग भी यहाँ पे मैं इसको 10 पिक्सल देना चाहूँगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें स्पेस आपको नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक का भी बटन बना सकते हो, आप एक बटन टैग लेके भी यहाँ पे बटन बना सकते हो। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होंगी जो मैंने आपको सक्सेस डार जितने भी मैंने आपको btn बताए यहाँ पे चेंज कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक आप इनपुट टाइप से भी बटन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप इनपुट, मैं बटन बनाने के तरीके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इनपुट लिखते ही एक बॉक्स यहाँ पे आ गया। तो एक बार मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जाके मुझे br जो टैग है वो लगाना होगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट रो में आए। इनपुट टाइप क्या है इसमें, टेक्स्ट। बट टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई बटन बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक बार रीसेट का बटन बना के दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिखो रीसेट, जैसे ही प्रॉपर्टी रीसेट लिखोगे तो यहाँ पे जो है आपका रीसेट का बटन बन के रेडी है। अब इसमें कुछ क्लासेस आपको लगानी होंगी, क्लासेस में आपको बताना होगा कि आपको एक तो बटन चाहिए, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से बटन बना देगा, बटन में आपको कैसा कलर चाहिए, बटन डैश आपको प्राइमरी चाहिए, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू, वैल्यू प्लीज़ आप यहाँ इनपुट में ज़रूर एंटर करना ताकि उससे पता चलता रहे कि आप किस टाइप का जो बटन है वो बनाने वाले। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगी क्या, रीसेट बटन, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, रीसेट बटन, ठीक है। यहाँ पे जो है लिखा जाएगा, तो इसके लिए मुझे एक बार करती क्यों हूँ, इसको थोड़ा कैपिटल में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, रीसेट बटन, ठीक है। जो भी आप यहाँ वैल्यू लिखोगे वो एज इट इज यहाँ आपको लिखी हुई आएगी। तो देखो मैंने आपको तीन तरीके से बटन बनाने से, एक तो बटन टैग से, एक एंकर टैग से, और एक इनपुट टाइप से, ठीक है। अब इससे आगे बात आती है, बटन में आप आउटलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अगेन मैं आपको, अभी जो मैं यूज करूंगी वो मैं यूज करूंगी बटन टैग, सिंपल। तो मैं बटन लिखूंगी यहाँ पे, और बटन लिखने के बाद मैं करूंगी क्या, पे यहाँ पे मैं सबसे पहले उसका टाइप देना चाहूंगी। टाइप क्या है उसका, टाइप उसका बटन है। और देन मैं इसमें कुछ क्लासेस देना चाहूंगी, क्लास में क्या देना चाहूंगी, क्लास में मैं देना चाहूंगी btn स्पेस btn-outline, क्या है btn-outline। और आउटलाइन का कलर कैसा चाहिए, मुझे प्राइमरी कलर चाहिए। तो देखो यहाँ पे उसका जो ये कलर है वो प्राइमरी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट के लिए सबमिट, सबमिट वैल्यू लिखूंगी तो ऐसे ही। तो देखो अभी जो एक ऐसा आ रहा है, इसमें जो है चारों तरफ से आउटलाइन आ रही है। जैसे ही इसमें कर्सर लेके जाओगे तो एक्चुअल जो आपने आउटलाइन का कलर लिखा है वो इसमें फिल हो जाएगा होवर करने पर, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे कोई भी कलर जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं आपको कुछ कलर चेंज करके दिखाती हूँ, बस btn-outline-success, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे डेंजर, डार्क, जैसे भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आई थिंक जो मेरा पॉइंट है वो आप सबको क्लियर होगा कि आप आउटलाइन भी कैसे जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब बात आती है बटन के साइज की, यानी बटन का साइज अगर आपको लार्ज करना है या डिफॉल्ट तो ये जो बटन का साइज है ये डिफॉल्ट है, या इसे स्मॉल करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्लास के अंदर ही स्पेस देके, एक क्लास के अंदर आप बहुत सारे जो क्लासेस है वो डिफाइन कर सकते हो, बट आपको यूज करना है स्पेस, ठीक है। स्पेस यूज करके आप बहुत सारी क्लासेस इसमें दे सकते हो। हम मुझे इसका साइज देना है तो btn-lg से क्या हो जाएगा, देखो इसका साइज लार्ज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी, अगर बाय डिफॉल्ट तो इसका है, अगर मुझे स्मॉल करना है तो btn-sm, तो sm से क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, sm और lg इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इनको लार्ज एंड स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं करती क्या हूँ आपको, यहीं पे इसी को कंट्रोल डी कर देती हूँ, और यहाँ पे लगा देती हूँ क्या br, और यहाँ पे क्या लगा देती हूँ lg, ताकि दोनों चीजों में आप फर्क कर सको,
ठीक है, देखो ये लार्ज है, ये स्मॉल है आपका, गॉट माई पॉइंट। अभी क्या करना है हमें, अभी एक फुल विड्थ आपको एक बटन चाहिए, तो फुल विड्थ आप बटन कैसे लोगे वो देखो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक डिव आपको बनाना होगा, क्योंकि वो पूरा डिव का स्पेस लेगा ना, तो उसके लिए आपको डिव बनाना होगा। और डिव टैग के अंदर आपको करना क्या होगा, वही सेम आपको बटन लिखना होगा, बटन के अंदर आपको टाइप देना होगा क्या किस टाइप का चाहिए आपको बटन चाहिए। देन आपको यहाँ पे क्लास देना होगा, क्लास में कैसा चाहिए आपको, BTN चाहिए और BTN डैश प्राइमरी जो है उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, बट आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा BTN डैश ब्लॉक, यानी कि पूरा का पूरा जो ब्लॉक एरिया है वो कवर करे। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या, फुल वेट बटन, ठीक है, फुल वेट मैंने जो है बटन यहाँ पे इतना लिख दिया है। तो अभी तो ये कम्प्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ जो टैग है, एक सेकेंड कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब इससे आगे ये आपका टाइप बटन हो गया। अब इसमें डिव में आपको एक क्लास देनी होगी, क्या क्लास देनी होगी, इसमें आपको क्लास देनी होगी डिस्प्ले डैश ग्रिड। ग्रिड में बताऊंगी आपको किस लिए जो ग्रिड है हम यूज करते हैं, वो ग्रिड के जो वीडियो होगी उसमें आपको अच्छे से बताऊंगी। बस अभी आप क्लास डी ग्रिड आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, सेम वही रहने वाला है, बस यहाँ पे BTN ब्लॉक। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करेगा, इसको कवर करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फुल विड्थ जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ऐसे ही आप इसमें गैप भी यूज कर सकते हो, लाइक ऐसे ऐसे मुझे 3-4 बटन चाहिए, तो कंट्रोल डी करती हूँ, तो कुछ इस तरीके से 3 बटन आ गए। अब इनके बीच में गैप ज्यादा आ रहा है, तो उस गैप को भी आप कवर कर सकते हो। कैसे, यहीं पर इसी क्लास में स्पेस देके आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे गैप डैश 2, यानी कि सिर्फ आपको 2 लाइन का गैप चाहिए। अगर यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाइंस का गैप हो जाएगा, ठीक है। 5 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 लाइंस का जो है इसके अंदर गैप हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जो आप गैप है वो इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ओके, अब इससे आगे आता है एक्टिव एंड डिसेबल बटन। तो एक्टिव एंड डिसेबल बटन क्या होता है वो देखो, बहुत सारे बटन ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि जब हम कहीं साइन अप करेंगे तभी हमारा साइन इन वाला जो है एक्टिव होगा, ठीक है। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए आप जो डिसेबल की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे सेम ही मैं बटन यहाँ पे रखने वाली हूँ, मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ ऊपर से कोई भी बटन, जैसे मैं जो ये वाला बटन है इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आओ, यहाँ पे मैं BR देती हूँ और नेक्स्ट रो में आओ। अब देखो बटन क्लास BTN आउटलाइन, और मैं यहाँ से जो LG है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। डार्क कलर का यहाँ पे बटन है, बस आपको प्रॉपर्टी क्या देनी है, सिंपल यहाँ पे एक्टिव लिखना है। एक्टिव लिखोगे तो ये बटन कैसा रहेगा, देखो अभी आपका एक्टिव हो गया, वहाँ से जो आउटलाइन है वो रिमूव होगी। बट जैसे ही एक्टिव के अलावा यहाँ पे जो आप क्या करोगे, इसको डिसेबल्ड अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी दोगे, कहाँ, क्लास से बाहर, ठीक है। वो आपको क्या करना होगा, इसी टैग के अंदर यहाँ क्लास से बाहर जैसे ही आप डिसेबल्ड यहाँ पे लिखोगे तो जो बटन है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। देखो अभी इससे आप कुछ भी कर्सर लेके जा रहे हो, बिल्कुल भी आपका वर्क नहीं कर रहा है, और इससे पहले वो वर्क कर रहा था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारे बटन मैंने आपको सिखाए हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो लोडर हम यूज करते हैं ना, जो सर्कल सर्कल चलता रहता है, लोडिंग करता है, वो सिंबल हम कैसे यूज करेंगे, और साथ ही साथ बटन का हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, मैंने बहुत टाइप के जो बटन है आपको अलग अलग तरीके से क्रिएट करने मैंने सिखाए हैं। और बूटस्ट्रैप का लिंक जो है गूगल पे जाके बूटस्ट्रैप CDN लिखोगे तो सामने आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लेना सिखाया, तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको HTML की प्लेलिस्ट, CSS की प्लेलिस्ट, या जावास्क्रिप्ट की भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। वेब डिजाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।